तो दोस्तों एक तरफ है श्रेयस अय्यर तो एक तरफ है फैब डुप्लेसिस। आईपीएल 2024 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टॉप 3 ऐसी बोल्ड प्रेडिक्शन की जो कि इस मैच में सही हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तो ओपनिंग के लिए आएंगे विराट कोहली, फैब डुप्लेसिस। नंबर 3 पे आएंगे दोस्तों विल जैक्स। अब मुझे लगता है मैक्सवेल इस मैच में भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद दोस्तों मेरे हिसाब से नंबर 4 पे रजत पाटीदार, नंबर 5 पे अनुज रावत, नंबर 6 पे दोस्तों दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पे महिपाल लोमरोर, नंबर 8 पे दोस्तों मेरे हिसाब से रेसी टॉपली, नंबर 9 पे लॉकी फर्ग्यूसन, नंबर 10 पे दोस्तों विजय कुमार और नंबर 11 पे मोहम्मद सिराज। देखिए दोस्तों चेंजेस तो होंगे, चेंजेस मेरे हिसाब से हो सकते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह भी चेंज हो सकता है या तो फिर मेरे हिसाब से मैक्सवेल भी इस मैच में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इस मैच में उनको नहीं मौका मिलेगा। अब कैमरॉन ग्रीन जो है उनका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका फॉर्म अच्छा नहीं है इसकी वजह से उनको बाहर रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो कोई चेंज जो है इस प्लेइंग 11 में मुझे नहीं दिखता है। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो है कोई ना कोई बॉलर जो है वो इस मैच में खेल ही लेगा। दोस्तों बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 के तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ओपनिंग के लिए फिल सॉल्ट और सुनील नारायण आएंगे। नंबर 3 पे दोस्तों वेंकटेश अय्यर, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे नीतीश राणा, नंबर 5 पे वो रघुवंशी खेलेंगे, नीतीश राणा को कुछ कहा नहीं जा सकता, नंबर 6 पे रसल, नंबर 7 पे रिंकू सिंह, नंबर 8 पे रमनदीप सिंह, नंबर 9 पे दोस्तों मिचेल स्टार, नंबर 10 पे दोस्तों हर्षित राणा और नंबर 11 पे दोस्तों वरुण चक्रवर्ती। देखिए चेंजेस तो होंगे, मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो है एक बॉलर आएगा और दूसरा जो चेंज होगा मेरे हिसाब से रघुवंशी की जगह हो सकता है क्योंकि उनका फॉर्म भी थोड़ा सा डाउन दिखा है कुछ पिछले कुछ मैचेस में। एक दो मैचेस में उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया है लेकिन फिर भी। और दूसरी बात तो यह है कि अगर राणा फिट होते हैं तो फिर वो इस मैच में खेल ही लेंगे। बाकी मुझे कोई चेंज जो है इस प्लेइंग 11 में नहीं दिखता है क्योंकि इसी प्लेइंग 11 के साथ जो है मैचेस बहुत बढ़िया तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स जीत रही है। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 कोलकाता नाइट राइडर्स की इस मैच के लिए हो सकती है। बात करें दोस्तों टॉप 3 बोल्ड प्रेडिक्शंस की इस मैच के लिए तो सबसे पहली जो यहाँ पर बोल्ड एक बता देता हूँ मैं आपको प्रेडिक्शन, वो होने वाली है दोस्तों मेरे हिसाब से विराट कोहली और फिल सॉल्ट जो है दोस्तों मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा रन इस मैच में बनाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों दोनों बैट्समैन का फॉर्म जो है इस पिच के ऊपर बहुत बढ़िया रहा है और दोनों ने जो है इस पिच के ऊपर काफी बढ़िया अपना फॉर्म दिखाया है। 2019 में हम सबको पता ही है विराट कोहली ने यहाँ पर शतक लगाया था और वर्ल्ड कप 2023 में भी इस पिच के ऊपर फॉर्म रहा है। तो मेरे हिसाब से अब अगर ये इस पिच के ऊपर इस मैच में खेल जाते हैं तो मुझे ज्यादा कुछ शॉकिंग नहीं लगेगा क्योंकि इस पिच के ऊपर जो है इनका फॉर्म बहुत बढ़िया रहता है। तो मेरे हिसाब से जो है इस मैच में विराट कोहली और फिल सॉल्ट खेलेंगे क्योंकि दोस्तों फिल सॉल्ट ने भी जो है इस पिच के ऊपर जो है 2-3 मैचेस में केकेआर के लिए काफी बढ़िया फॉर्म दिखाया है। तो मेरे हिसाब से जो है इस मैच में ये चल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकेंड बोल्ड प्रेडिक्शन की। तो मेरे हिसाब से लॉकी फर्ग्यूसन, सुनील नारायण दोनों जो है 2 से ज़्यादा विकेट्स इस मैच में ले लेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, सुनील नारायण को तो इस पिच के बारे में सब कुछ पता है, वो तो इस मैच में विकेट लेंगे ही। और कोलकाता में जो है पिछले साल मेरे हिसाब से लॉकी फर्ग्यूसन थे तो उनको भी इस पिच के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होगा तो मेरे हिसाब से वो विकेट्स लेंगे। और फॉर्मर टीम जिस प्लेयर की होती है ना वो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा विकेट्स लेता है जो उसकी फॉर्मर टीम होती है उनके सामने, तो एक फैक्टर जो है काम आ सकता है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए इस मैच में। बाकी तो मुझे कुछ लगता नहीं है, लॉकी फर्ग्यूसन ही एक ऐसे बॉलर लग रहे हैं मुझे पहले से जो कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए विकेट्स ले सकते हैं लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया। अब दिया है तो देखते हैं कि इस मैच में वो किस तरीके से विकेट्स ले पाते हैं। थर्ड एंड लास्ट बोल्ड प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो होने वाली है दोस्तों जो पहले बैटिंग करेगा वो 170 या फिर 160 से ही ज्यादा रन बनाएगा, 180 से नीचे और 160 से आगे रन ही बनाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कौन जीतेगा वो बताना रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो है इस मैच को जीतने वाली है कोलकाता, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं। हम सबको बताइए कोलकाता नाइट राइडर्स जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को हर बार हराती है, वो एक जो है मेरे हिसाब से एक बात है। और दूसरी बात तो ये है दोस्तों यहाँ पर कि कोलकाता में आकर कोलकाता को हराना जो है वो कोई राजस्थान रॉयल्स वाला फॉर्म नहीं है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का, तो इनको हराना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर इन्हीं के होम ग्राउंड पे हार गए थे कोलकाता से तो यहाँ पर तो हारेंगे ही। तो मेरे हिसाब से जो है कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को जीत जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।